तो स्वागत है सभी का एक और नए मुकाबले में। ये मुकाबला खगड़िया वर्सेस सहरसा के बीच में खेला जाएगा। बहुत ही शानदार टीम है सहरसा, ये मुकाबला बहुत ही शानदार होगा। आप जरूर इस मुकाबले को देखें। टॉस होने जा रहा है, दोनों टीमों के कैप्टन आ गए हैं। सिक्का उछला, यहाँ पर सहरसा ने टॉस जीतकर कोर्ट चॉइस किया है। इसका मतलब खगड़िया को इसकी तरफ से पहली रेड देखने को मिलेगा। खगड़िया सहरसा टीम फर्स्ट रेड खगड़िया की तरफ से रेड करते हुए रेडर सात का डिफेंस बोनस ऑन है। ओ एक शानदार बैक होल्ड देखने को मिला, एडवांस था पर टीम ने सपोर्ट किया, सक्सेसफुल टैकल हुआ। बहुत ही शानदार टीम है सहरसा, आपने पिछला मुकाबला देखा होगा इनका, बहुत ही बढ़िया खेलती है लड़कियां, देखने में छोटी हाइट की है, बहुत ही शानदार जबरदस्त काफ़ी फुर्तीली रेडर है। आप ओ एक शानदार बैक होल्ड करने की कोशिश लेकिन असफल रहे। उन्होंने भी सोचा था कि एडवांस हो जाएगा लेकिन टीम ने सपोर्ट नहीं किया। फिर से एक बार खगड़िया की तरफ से रेड करते हुए सात का डिफेंस है, बोनस ऑन है, बोनस जी नहीं। ये सहरसा टीम है भाई, आपकी नज़र हटी और आप कोर्ट से बाहर चले जाएंगे। रेडर को थोड़ी चोट आई है। फिर से सहरसा की तरफ से रेड करते हुए छोटे रेडर, इनका पिछला मुकाबला देखिए बहुत ही शानदार खेली जिसमें इन्होंने सीतामढ़ी को हराया 15-52 से। उस मुकाबले के इन लोगों ने जीता है सहरसा के लिए, सहरसा की टीम ने बहुत ही शानदार रेड, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पर ये टैकल हो गई, ये ज़्यादा अंदर चली गई थी, डिफेंडर ने डाइव किया और एक कैच कर गई। फिर से खड़ा से रेड करती हुई लंबे कद की रेडर भाई, सहरसा एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। मेरे हिसाब से ये टीम सेमीफाइनल जरूर खेलेगी, अभी तक तो मैं नहीं जानता पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल तक जाएगी। बहुत ही शानदार अभी तक इनका प्रदर्शन है, हैंड टच का दावा जी नहीं है हैंड टच। फिर से एक बार सहरसा की तरफ रेड करने आई है, ये भी बहुत बढ़िया रेड, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा और डिफेंडर ने अटैक किया और टैकल हो गया। खगड़िया की तरफ से रेड करते हुए रेडर, पांच का डिफेंस, बोनस ऑन नहीं है, बोनस तभी ऑन होता जब छह खिलाड़ी अच्छे से ज्यादा। ओ एक बहुत ही आसानी से हैंड टच किया, ऐसा लग रहा था सहरसा खिलाड़ी थोड़े लूज हो गए हैं, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है सहरसा। एक कबड्डी है, आपकी एक गलती से आप मैच हार सकते हैं। यहाँ पर एडवांस टैकल, लेकिन आप इनके एडवांस टैकल नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। खगड़िया तरफ से रेड करते हैं लंबे कद के रेडर अपने टीम के लिए, हैंड टच की प्रयास, पांच का डिफेंस है, बहुत ही अच्छा प्रयास करती हुई पॉइंट लाने के लिए। ओ हैंड टच की फिर से प्रयास, टच था शायद, हाँ हाँ टच था, मेरे हिसाब से रेफरी बोल रहे हैं शायद टच था। काफ़ी ढीला खेल रही हैं ये सहरसा की टीम, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टीम थी। अगर ये लोग अपना ओरिजिनल गेम खेलने लगे ना सबको उड़ा देंगे भाई। इनका पिछला मुकाबला मैंने देखा, मुझे तो लगा कि यहाँ के सबसे टॉप टीम है सहरसा। इनका कवर बहुत खतरनाक है, आप देख लीजिए खुद ही, अभी ये प्रॉपर इनका बॉडी गर्म ना हुआ है। पिछले मैच में ये लड़की आग उगल रही थी। यहाँ पर रेडर फिर से एक बार सहरसा के रेडर, देखिए पिछले मैच में बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया, देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ कर पाती है अपने टीम के लिए।
बोनस अटेम्प्ट करने की कोशिश। ओ एक शानदार डाइव देखने को मिला, लेकिन सफल रही, टीम का अच्छा सपोर्ट मिला। अगर आप इनको रोक लेंगी तो शायद आप जीत सकती हैं, खगड़िया की टीम। अगर खगड़िया को जीतना है तो इस रेडर को रोकना पड़ेगा। फिर से एक बार खगड़िया की तरफ रेड करते ही शार्क का डिफेंस, शार्क का डिफेंस में पॉइंट लेना थोड़ा मुश्किल होता है रेडर के लिए, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप पॉइंट निकाल सकते हैं, आपको कोई नहीं रख सकता। ओ बहुत बढ़िया रनिंग हैंड टू टच करने का प्रयास। रेडर ने रिस्क नहीं लिया, मैंने पहले भी बोला कि चार का डिफेंस में पॉइंट लेना थोड़ा रेडर के लिए मुश्किल होता है। छः का डिफेंस, सात का डिफेंस बोनस ऑन है। बहुत ही शानदार रेडर है ये, देखने में छोटी है, बहुत ही शानदार बोनस अटेम्प्ट किया, मैंने तो बोनस दे दिया है। अब आगे रेफरी साहब अपना काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया टच, अंदर जाकर टच मारी लड़की ने, बहुत ही शानदार खेली है। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था अपनी टीम के लिए। दो अढ़ाई रेड खगड़िया, अगर आप पॉइंट नहीं, जी हाँ बोनस भी ऑन नहीं है, अगर आप पॉइंट नहीं लेकर आएंगी तो आप कोर्ट से बाहर जाएंगी। आपको टच पॉइंट लगी है, यहाँ आपको कोर्ट से बाहर कर दिया गया। एक शानदार डस्ट देखने को मिला सहरसा की टीम की ओर से। फिर से एक बार रेड करने के लिए, बहुत ही शानदार रेडर, बहुत बढ़िया किक लगाने का प्रयास और पर रेड देखने को मिला। आप वहां से गाड़ी को जी हाँ, दो बस दो ही पॉइंट है, ठीक नहीं लगा था उसका कीपर, पर बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, मैंने पहले भी बताया था। अगर खगड़िया को जितना है तो दोनों रेडरों को जितना होगा। उनसे मेरा अनुरोध होगा आप कृपया उनको कहाँ कहाँ देखने को मिला। खगड़िया की टीम को समझ में नहीं आ रहा किसको किसको रोके। अभिनंदन सुपौल, अभिनंदन रेड करते हुए एक अच्छा, ओ शानदार टैग देखने को मिला खगड़िया की तरफ से। स्ट्रगल करता हुआ रेडर, देखते हैं सुपर टैकल हो जाएगा, देखते हैं हाँ ये सुपर टैकल शायद हो गया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रगल रहा रेडर की तरफ से। फिर से एक बार खगड़िया की तरफ रेड करते हुए रेडर, एक एडवांस टैकल देखने को मिला साफ साफ से और दो पॉइंट। अंपायर का डिसीजन, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। फिर से एक बार सहरसा की ओर से रेड करते हुए, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, अभी तक इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने गेम का प्रदर्शन किया है। पांच का डिफेंस है, बोनस आप नहीं ले सकती, बोनस आप तो, ओ एक एडवांस टैकल देखने को मिला, लेकिन आप इनको एडवांस टैकल नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये भी एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। खगड़िया के रेडर रेड करते हुए, बहुत ही अच्छा फुटवर्क लेते हुए, पांच का डिफेंस है, आप बोनस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप अटेम्प्ट भी करेंगी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बोनस छः खिलाड़ी जब हो ग्राउंड में तभी होता है ऑन होता है, छः या छः से ज़्यादा। सहरसा खिलाड़ी चार का डिफेंस, चार का डिफेंस में थोड़ा पॉइंट लाना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे रेडरों के लिए उतना मुश्किल नहीं होता जिसके पास स्किल हो। बहुत ही आराम से इन्होंने एक पॉइंट ले लिया, मैंने पहले बोला जिसके पास स्किल है उसको कोई नहीं रख सकता पॉइंट लेने से, आपको स्किल आना चाहिए। इन्होंने हैंड टच का बहुत ही अच्छा स्किल, ऑफिशियल टाइम आउट। फिर से एक बार खगड़िया का रेड करते हुए, छः का डिफेंस बोनस ऑन है। ये मुकाबला बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि सहरसा टीम बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है ये टीम सेमीफाइनल तक जाना चाहिए। जो इनके प्लेयर है ना भाई, अभी तक मैंने जितने मैच देखे ना सबसे खतरनाक मुझे लगे हैं, देखने के बस छोटे छोटे हैं, काम बहुत बड़े करते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया टच, बहुत ही आसानी से पॉइंट ले जाते हैं, और यहाँ पर डिफेंडर को बाहर किया।
स्ट्रगल हुआ, दोनों ही बाहर गए। फिर से एक बार खगड़िया की तरफ से रेड करने, डू और डाई रेड है। अगर आपको अपना ऑल आउट बचाना है तो इस रेड में आपको बोनस या टच पॉइंट लाना पड़ेगा। ये आप बोनस ले सकती हैं, सात का डिफेंस है, लेकिन एक शानदार कवर की तरह देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया सहरसा खेलती हुई नज़र आ रही है अभी तक, बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है। और हाफ टाइम, और हाफ टाइम होता हुआ भी है स्कोर 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 हाफ टाइम का स्कोर 15 सहरसा 9 खगड़िया, 6 पॉइंट की लीड में है सहरसा। सहरसा की तरफ से रेड करते हुए छोटे का खिलाड़ी, एक ही डिफेंडर बचा हुआ है खगड़िया के कोर्ट में। इजीली वो किक लगाया और टच किया और इस तरह से खगड़िया को ऑल आउट कर दिया और खगड़िया सहरसा का 3 पॉइंट मिले। खगड़िया की तरफ से रेड करते हुए छोटे का खिलाड़ी क्या कुछ कर पाती है अपने टीम के लिए। सात का डिफेंस बोनस ऑन है, आप बोनस अटेम्प्ट कर सकती है। रेडर काफ़ी अच्छा प्रयास करते हुए पॉइंट्स के लिए, पर आप इनके सामने इतनी आसानी से पॉइंट नहीं ले सकती हैं। सहरसा टीम बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करता हुआ, और इसी तरह स्कोर 18-9 सहरसा 9 खगड़िया 9 पॉइंट सहरसा। बैक को साइड करो तुम मेरे पास में। और एक अच्छा हैंड टच लगाते हुए लड़की ने, लेकिन शायद असफल रही। फिर से एक बार कोशिश करते हुए शायद बोनस लेंगे। ओ एक इस टैकल की कोई जरूरत नहीं थी खगड़िया टीम को, इतना एडवांस आप इनको टैकल नहीं कर सकती और आप अकेले तो और नहीं कर सकते। फिर से एक बार खगड़िया की तरफ से रेड करते हुए सार का डिफेंस बोनस ऑन है और एक एडवांस टैकल देखने को मिला। इसी तरह 2 पॉइंट खगड़िया को मिलेगा, इतना एडवांस जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ आप आगे हैं, ज़्यादा भी आगे ना है, आप तो बस 9 पॉइंट से आगे थे। अब 9 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, एक आसानी से बोनस दे दिया गया है खगड़िया की तरफ से। ओ बहुत आगे से तो आई थी पर अच्छा सा ब्लॉक नहीं कर पाई और एक पॉइंट सहरसा को मिलता हुआ। खगड़िया की तरफ से रेड करते हुए छोटे कद की रेडर, 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन है। बोनस अटेम्प्ट आप कर सकती हैं। वो बहुत ही शानदार डैश देखने को मिला, मैंने पहले ही बोल रखा कि सहरसा का जो कवर खेलता है बहुत ही ज़बरदस्त कवर है सहरसा का, आपको तोड़ देगा भाई। ये टीम सेमीफाइनल तक जाएगी, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया है, आप देख लेना। फिर से एक बार ओ बैक किक लगाने की कोशिश, शानदार डाइव देखने को मिला राइट कॉर्नर की तरफ से। थोड़ा सा डिफेंडर को चोट लगा हुआ है, पर कबड्डी का मतलब चोट तो लगेगा ही, अगर आप कबड्डी खेल रहे तो थोड़ा बहुत तो चोट लगेगा। फिर से एक बार बढ़िया प्लेयर रेड करते हुए सहरसा खिलाड़ी, छोटे का खिलाड़ी लेकिन काम बहुत बड़ा करती हैं वो। इनका काम देखना तो पिछला मैच जाकर देख लीजिए जो सीतामढ़ी के साथ हुआ था, इन्होंने सीतामढ़ी के प्लेयर को ऐसा तोड़ा है ना, कभी भी सहरसा से खेलेंगे नहीं। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए, बहुत ही शानदार रेडर, काफ़ी फुर्तीली। ओ बोनस मिली है, बोनस की अटेम्प्ट की और प्लस एक पॉइंट। जी हाँ बोनस ले चुके हैं, बोनस प्लस वन पॉइंट मिला। फिर से खगड़िया की रेडर रेड करती हुई सात का डिफेंस बोनस ऑन है, रेडर कंफ्यूज है थोड़ा। और एक शानदार ब्लॉक देखने को मिला राइट लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से, बहुत ही बढ़िया, वेल डन सहरसा। पाँच मिनट का खेल बचा हुआ है और 4 का डिफेंस, बहुत शानदार टैकल, जो भी नहीं है सुपर है।
ये एक सुपर रेड हो सकता है, मेरे हिसाब से तो सुपर रेड है, शायद ये ऑल आउट भी हो सकती है, देखते हैं रेफरी का इशारा। ओनली बस सुपर रेड है, बस एक 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 खिलाड़ी बची है खगड़िया के कोर्ट में, फिर से एक बार खगड़िया की तरफ से रेड करते हुए बोनस अटेम्प्ट किए हैं, बोनस छोड़ दिया गया सहरसा की तरफ से, 4 मिनट का खेल बचा हुआ है। तो आप कबड्डी में पीठ नहीं दिखा सकते, आप कबड्डी में पीठ, अगर आप पीठ दिखाएंगे तो नज़र हटी दुर्घटना घट जाएगी, आपका पीठ दिखा और आप कोर्ट से बाहर हो जाएंगे। फिर से एक बार खगड़िया कोर्ट में सहरसा के रेडर, सात का डिफेंस वो नुकसान है, रेडर इतना एडवांस करता करने कोई जरूरत नहीं है, वही अकेले आप कर रही हैं। ये मैच सहरसा ने जीत लिया है लगभग, बस कुछ मिनटों का खेल बचा हुआ है, आप बहुत ही शानदार डैश देखने को मिला, बहुत ही अच्छा खेल रही लड़कियाँ, जितना भी तारीफ की जाए कम ही है। फिर से सहरसा की तरफ से रेड करते हुए छोटा रेडर, देखने में छोटा है काम बहुत बड़े करते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार स्पीड, कबड्डी की तरफ से रेड करते ही छोटे कद के रेडर, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आपके पास स्किल होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। सात का डिफेंस आप बोनस अटेम्प्ट कर सकती हैं, पर जी मैंने सेफ गई हैं, लास्ट 2 मिनट का खेल बचा हुआ है, सहरसा की तरफ से रेड करती हुई, 4 का डिफेंस है, आपको टच पॉइंट लेकर ही आना पड़ेगा, यहाँ 2 टच की प्रयास पर शायद असफल रहे, फिर से एक बार हैंड टच की प्रयास, लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट लाने की कोशिश करती रही रेडर, और बैक स्लिप किक लगाई और टच के दबा की है, देखते हैं क्या किस तक, शायद टच नहीं है मेरे हिसाब से भी। फिर से एक बार खगड़िया के रेडर रेड करती हुई, 7 का डिफेंस है, आपको शूट किया गया, 4 का डिफेंस है और 1 पॉइंट आसानी से ले लिए सहरसा के रेडर। दो ढाई रेड खगड़िया, अगर आप पॉइंट ले सकते हैं या बोनस ले सकते हैं, आप खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। इसी तरह स्कोर हो गया है 34-14 सहरसा 14 खगड़िया, पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और एक शानदार डैश देखने को मिला, रेडर का ध्यान भटका और वो कोर्ट से बाहर आ गई। फिर से एक बार रेड करते हुए सहरसा रेडर, और 1 पॉइंट इन्होंने ले चुकी है आसानी से, लास्ट 1 मिनट टू गो, 35-14 स्कोर, 36-14 सॉरी, लास्ट प्लेयर हैं खगड़िया की टीम के, अगर यहाँ पर ये टैकल हो जाती हैं तो ऑल आउट, इसी तरह स्कोर 39-14 और खगड़िया टीम ऑल आउट हो गई। एक बार सहरसा की तरफ रेड करते हुए छोटे कदी खिलाड़ी, बहुत ही ज़्यादा स्किल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन अभी तक उन्होंने किया है और इजीली पॉइंट निकाल रही हैं अपनी टीम के लिए। अच्छा किक लगाई लेकिन असफल रही, तो फिर से एडवांस टैकल करने की कोशिश कवर द्वारा, असफल रही डिफेंडर, फिर से एक बार खगड़िया की तरफ से रेड करते हुए रेडर, आप हैंड टच की प्रयास, लास्ट
और इसी तरह सहरसा ने इस मुकाबले को जीत लिया है 40-14 लगभग 26 पॉइंट से इस मुकाबले को सहरसा ने जीत लिया है। तो भाई वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर बिहार के सभी कबड्डी टूर्नामेंट के वीडियो आते रहते हैं। मिलते हैं अगले मैच में।